हमारा त्रिपुरा का महाराज है प्रद्युत किशोर जी, वो हमको आके बोला, मेरा साथ बात किया, गुवाहाटी में भी बात किया, दिल्ली में भी बात किया कि आप हमें त्रिपुरा लैंड दे दीजिए, मैं आपका साथ समझौता करूंगा। फिर मैंने बोला देखो त्रिपुरा लैंड तो नहीं मिलेगा, जनजातियों का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन आप त्रिपुरा को दो भाग आप नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, मुझको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। हमने प्रद्युत जी को बोला साये बीजेपी सरकार करे या ना करे, लेकिन हम त्रिपुरा को खंडित होने नहीं देगा। हमने क्लियरली बोला, उनका मुंह में बोला, इनका मुंह में बोला कि आपको कभी त्रिपुरा लैंड आपको नहीं मिलेगा। किसलिए? आपका दादाजी ने भी कभी त्रिपुरा लैंड डिमांड नहीं किया था, आज आप उनका नाती होके कैसे आप त्रिपुरा लैंड डिमांड कर सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। हाँ, हम जनजाति के उत्थान के लिए काम करेगा, इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल जो चाहिए लीजिए, लेकिन जैसे त्रिपुरेश्वरी माँ का मंदिर दो नहीं हो सकता है, ऐसे त्रिपुरा लैंड भी त्रिपुरा से नहीं हो सकता है, ये हमने उनको बोल चुका। गुवाहाटी ने निमंत्रण दिया, महाराज गुवाहाटी में आया, क्या चाहिए महाराज? बोले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मतलब क्या है? कोई बांग्लादेश से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? बोले कोई मिजोरम से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? कोई असम से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? बोले नहीं नहीं दादा, त्रिपुरा का टीटीएडीसी एरिया को स्टेट बनाना है, त्रिपुरा को दो भाग करना है। मैं बोला महाराज अगर आप त्रिपुरा को दो भाग करेगा और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसे बनेगा, तो छुपा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मुझको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। तो हमने महाराज को बोला कि देखिए माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद से ये त्रिपुरा प्रदेश बना है, आपका दादा ने भी त्रिपुरा को दो भाग नहीं किया और आगे भी कोई लोग त्रिपुरा को दो भाग नहीं करेगा, ये आप सुन लीजिए, वो काम नहीं होगा। हम भी पावर के लिए, हम भी मोठा का साथ हाथ मिला सकता था, 50 सीट भी हम लोग जीत लेता था, लेकिन आज त्रिपुरा माँ को दो भाग करना पड़ता था, लेकिन हम वो नहीं माना। समता आए कि ना आए, लेकिन त्रिपुरा एक रहना पड़ेगा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, ये हमारा वादा है। अभी एक यहाँ में बुमा आया, हाँ हमको अभी 1,000 रुपए दिया। ये ना, ये डोनेशन नहीं है, ये आशीर्वाद है, आपका प्यार है। और ये पैसा ना बीजेपी का पैसा से ज्यादा इसका मूल्य है, इससे ज्यादा। अरे क्या बात करता है, क्या बात करता है। हाँ, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत दा अच्छा दोस्त है मेरा, मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बहुत नॉटी है। प्यारा है लेकिन मिस्चीवियस है, शरारती है, शरारती है। हाँ, सब जगह में बोल रहा है, मैंने राजा को बोला त्रिपुरा का दो टुकड़ा नहीं होगा। हमने राजा को बोला वीर विक्रम का राजा का त्रिपुरा को दो टुकड़ा नहीं होगा, माता बारी को दो टुकड़ा नहीं करेगा, त्रिपुरा सुंदरी माँ का दो टुकड़ा नहीं करेगा। बोल रहा वो माता बारी में त्रिपुरा सुंदरी का पूरा मंदिर को काट दिया, टीला को काट दिया, दो टुकड़ा कर दिया आपका बीजेपी का शासन ने। वो टाइम आपको हमारा इमोशन के बारे में मालूम नहीं पड़ा। हमारा प्यारा सब हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं, हमने बोला है एक टुकड़ा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो एडीसी इलाका में स्कूल नहीं है, रास्ता टूटा है, अस्पताल में विधि नहीं है, पानी नहीं है, तुई का प्रॉब्लम है। यहां में हम लोग का बच्चा लोग ना डायरिया मलेरिया से मरता है। अगरतला में कोई डायरिया मलेरिया से मरता है नहीं, तो सबका साथ सबका विकास। यहां में जब बतुई बारिश आता है, पांच पांच दिन तक बिजली नहीं रहता है। थैलाकुंग में कहा मुझे जेकब बोला, यहां बोलते थैलाकुंग में पानी का प्रॉब्लम, अगरतला में नल 24 घंटा खुला। ये सबका साथ सबका विकास है। हानी भूसा कौन है, कौन है हानी भूसा? कुछ मिला?